वाराणसी में कैंटोनमेंट क्षेत्र फुलवरिया मार्ग पर बुधवार देर शाम एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया 25,000 का इनामी सैनबाज उर्फ बंटू दो दिन पहले आधी रात को वाराणसी की सड़कों पर उतरकर गरीबों में कंबल बांटने वाली वाराणसी पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम का सामना एक बार फिर इनामी बदमाश से हुआ। साथ ही अपराधियों की धरपकड़ के दौरान हो रही मुठभेड़ों के सिलसिले में इस बार 25,000 रुपए का इनामी अपराधी दबोच लिया गया। बता दें कि हाल ही में क्राइम ब्रांच पुलिस ने DLW और करौत के पास एनकाउंटर करके पुरस्कृत अपराधियों को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की। इस बार भी क्राइम ब्रांच की टीम के हत्थे 25,000 का इनामी सहनबाज उर्फ बंटू चढ़ा है। इस संबंध में वाराणसी के SPCT दिनेश सिंह ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए नगर में विभिन्न जगहों पर चेकिंग की जा रही थी और उसी दौरान कैंट पुलिस की चेकिंग में जब बाइक सवार दो लोगों को रोकने का इशारा किया गया तो वह पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। SPCT के अनुसार इसके बाद कैंट मंडू ID और क्राइम ब्रांच की टीम ने बाइक सवार दोनों फुलवरिया मार्ग पर घेर लिया। इस दौरान हल्की मुठभेड़ और फायरिंग के बाद एक बदमाश को पकड़ लिया गया, वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम सहनबाज उर्फ बंटू बताया है। सहनबाज के ऊपर चेतगंज में एक अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। SPCT दिनेश सिंह के अनुसार सहनबाज उर्फ बंटू के पास से 32 बोर की एक पिस्टल और 7 कारतूस बरामद हुआ। पुलिस अब सहनबाज उर्फ बंटू का पूरा आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। इसके अलावा फरार युवक के बारे में भी पुलिस बंटू से पूछताछ कर रही है। वाराणसी से दीपक तिवारी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। आज शाम को नगर क्षेत्र में जगह जगह चौराहों पर सघन चेकिंग चलाई जा रही थी। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश वहां पे आए, जिनको चेकिंग के पर्पज से रोकने की कोशिश की गई तो वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागे। पुलिस ने भी अपने बचाव में क्रॉस फायरिंग करते हुए उनका पीछा किया और उधर से मड़ुआडी आ गए। संयुक्त रूप से कैंट और क्राइम ब्रांच और मड़ुआडी की घेराबंदी में ये भी पकड़ा गया एक बदमाश। जो पूछताछ की जानकारी की गई तो इसका नाम बंटू सहनबाज है, जो अभी चेतगंज के 307 के मामले में वांछित था और इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। पुलिस पार्टी द्वारा इसकी फायरिंग करते आत्मरक्षार्थ जो है इसको गिरफ्तार किया और एक बदमाश वहाँ अंधेरा था क्योंकि उसका फ़ायदा लेके भागा। जो गिरफ्तार अभियुक्त है इसे 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है, इसके पास से 7 जिंदा खोखे भी बरामद हुए हैं, 6 की संख्या में कारतूस बरामद और खोखा बरामद हुआ इससे उससे और 7 कारतूस बरामद हुए इससे। अभी इससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। ये चेतगंज के एक 307 के मामले में इनाम था इस पर 25,000 रुपये का भी, और इससे और इसे के बारे में घटनाओं के बारे में इससे भी पूछताछ जानकारी की जा रही है। कोई घायल नहीं? कोई घायल नहीं है।